वो अपना सा। आपके घर किसी को लाया गया ना हॉस्पिटल से, प्लीज बताइए वो कहाँ है। माय सन थॉमस, वो गॉड के पास चला गया। कहाँ लेकर गए? कॉमन बरिंग ग्राउंड ले गए उसे, तब तो वो बरी भी हो चुका होगा। नहीं हो सकता आदित्य, आपको कुछ नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ गई, निशा ये क्यों कह रही थी कि हमारी शादी को 1 साल हुआ है? निशा अपने बीते कुछ साल भूल चुकी हैं, उनको अपनी शादी के 1 साल तक का ही वक्त याद है। सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर क्यों कर रही हो ये? निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे, पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सब सुनने के लायक हो जाए, बस तब तक हम उसे घर में रखे, दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है। छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। जानी, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ये सब क्यों करोगी? सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर क्यों कर रही हो ये? हाँ बेटा, ये बात ठीक नहीं है, निशा यहाँ नहीं रह सकती। सही कह रहे भाई साहब, निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे, पता नहीं वो कब क्या कर जाए। मैं सबके साथ सहमत, मुझे भी ये लगता है कि निशा का यहाँ रहना ठीक नहीं। आप लोग एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, आपने देखी ना निशा की क्या हालत। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हम उसे हमेशा के लिए घर में रखें, बस जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सब सुनने के लायक हो जाए, बस तब तक हम उसे घर में रखें, दैट्स इट। देखिए आप सब बड़े हैं, समझ सकते हैं, ये उसकी जिंदगी और मौत की बात है, ऐसे में मैं अपनी खुशी और कंफर्ट नहीं देख सकती हूँ। बेटा ये सारी बातें एक तरफ, अभी तो तुम्हारी नई शुरुआत हुई है, ऐसे में निशा का साथ कैसे दोगी तुम? थोड़ा तो सोचो तुम। काकी माँ सब मैनेज हो जाएगा, बस 2-3 महीने के लिए हमें बस निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है, और बस उनकी शादी के 1 साल बाद वाला माहौल देना, दैट्स इट। जानिए ये कुछ ज्यादा है, निशा के लिए इतना कुछ करना ये मुझे ठीक नहीं लगता। मैं बस आपसे मिलना चाहती हूँ। कौन है ये ब्यूटीफुल गर्ल्स? रुकिए, रुको ना, आप रो क्यों रहे हो? मैं बस तुमसे बहुत बातें करनी है, बहुत सवाल पूछने हैं, पर सबसे पहले मैं वो पूछना चाहती हूँ जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नाराजगी क्यों है? क्यों अपसेट हो तुम? क्या बात है आदि, अब तो हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं हमारे बीच, सिर्फ तुम हो और मैं, जानवी भी नहीं है। मतलब जब से मेरी आंख खुली है हमारे बीच में कोई ना कोई रहा है। पहले मेरी बीमारी, डॉक्टर्स, घर आई तो पूरा परिवार, और फिर वो गेस्ट जानवी और उसके बच्चे। अब हमें टाइम मिला है अकेले में बात करने का, पर तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे हो। क्या हुआ मिस्टर जिंदल? थोड़े दिनों के लिए मैं तुमसे दूर चली गई, कोई और पसंद आ गई तुम्हें?
मामा आप अभी क्या कर रही हैं आप? अभी चल जाती ड्रेस? वो पता नहीं वो जी के बारे में सोच रही हो है ना? पता नहीं क्या कर रही हो क्यों? आज उसके लिए बहुत खास दिन है ना? काकी माँ मेरी पहली हरतालिका तीज है ना, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कितने क्यूट लग रहे दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में। चलो बस का टाइम हो गया ना, कम चलो। काकी माँ बताइए मुझे क्या कैसी तैयारियां करते हैं, कैसे सेलिब्रेशन करते हैं? मैंने सुना है कि ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी नई नई शादी होती है, और मेरी तो शादी के बाद पहली तीज है, तो आप मुझे सब कुछ बताना ठीक है? आप किसी भी बात की फिक्र मत करना जानवी। इतनी फिक्र करके क्या फायदा? आप ही हमेशा कहते हो ना कि दी बहुत स्ट्रांग है, बहुत समझदार है, तो बस संभाल लेगी वो सब कुछ। आई एम श्योर जीजू दी की थी कि पहली तीज को बहुत स्पेशल बनाएंगे। आज उसकी पहली तीज है और आदित्य? जीजू कभी कुछ गलत नहीं करेंगे माँ, वो कभी भी अपने बीते कल का असर अपने आने वाले कल पर और अपने आने वाली खुशियों पर नहीं पड़ने देंगे। आप चिंता मत करो, देख लेना दी की ये पहली तीज बहुत ही अमेजिंग होगी। हद होती है लापरवाही की। अरे काम शुरू होने से पहले खत्म हो गया। वहाँ हाईवे पर खड़े रह के क्या करोगे, मक्खी मारोगे क्या? देख लो वहां से फौरन निकलो। भी कौन रुका है हाईवे पे? एक काम क्यों नहीं करती तुम? ये घर का सारा काम छोड़ के कचहरी क्यों नहीं खोल लेती? आजकल बातें कम तुम सवाल ज्यादा पूछती हो, बात क्या है? सवालों के जवाब तो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री में स्ट्राइक कैसे हुई, वर्कर्स क्यों काम पे नहीं आ रहे, और मैं तुम्हारी इजाजत के बिना सांस क्यों नहीं ले रहा हूँ, है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, और आज तीज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इजाजत हो तो शांति से चाय पी लूं। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। क्या हम मुद्दे की बात कर सकते हैं? पूजा शायद तुम्हें पता ना, लेकिन नरेन के दादाजी ने नरेन की वाइफ के लिए एक ट्रस्ट बनवाया था जिसमें उन्होंने कुछ शेयर्स और बॉन्ड्स डाले थे। आज उस ट्रस्ट की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब पूजा तुम्हारे नाम पे 100 करोड़ रुपया है। तो अगर इस ट्रस्ट को तुम हमारे नाम कर देती हो तो डोंट वरी, तुम्हारे ससुर जी को वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। बशर्ते आप कुछ पेपर्स पर साइन करें। मुंह चलाने की औकात है तेरी, गोली चलाने के लिए जिगर चाहिए होता है। चला गोली। क्या गाल है? ये प्रीति भी ना अकेले ट्रेवल कर रही है, कम से कम फोन तो चार्ज रखना चाहिए था। जा रहा है मुझे कि तुम दिन भर घर से क्यों गायब रहती थी। अपना काम तो हो गया। क्या आप में से कोई देवसु में रहने वाले सदाशिव नाम के किसी व्यक्ति को जानता है? मैं इस सदाशिव नाम के व्यक्ति से कभी नहीं मिला। मैं भी नहीं जानता इस सदाशिव को। सुना तो है। Well, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी को उसके डिवोर्स होने की खबर दूंगा। इतना इजीली हो गया? आबा के हस्बैंड ने उससे 8 साल से कोई कांटेक्ट नहीं किया।
इसलिए आबा को डिवोर्स इजीली मिल जाएगा। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब तो शादी में कोई रुकावट नहीं है ना? तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं आपको भी नहीं समझा पा रही हूँ ना, ये सब समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और जब सब ठीक हो जाएगा हम खुद आपके पास आ जाएंगे, लेकिन तब तक कुछ ठीक नहीं है।